दिस इज मी अरी चौधरी, वेलकम बैक टू आवर चैनल कुक विद अरी जिमान। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी चिकन हांडी। बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। अगर आपके घर जो सा वो गेस्ट्स आ जाएँ तो आप इजीली इस रेसिपी को विद इन 15 to 20 minutes आप इसे रेडी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस इजी सी रेसिपी के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे मैंने 1/2 kg ली है, क्योंकि जाहिर सी बात है आज वीकेंड है, तो वीकेंड पे 2 से 3 डिशेज हमारे घर में बनती ही हैं। सब इकट्ठे होते हैं, सबको ऑफ होता है, इसलिए जो सा वो 2 से 3 चीज़ें मैं बनाती हूँ। तो अभी मैंने जो सा वो फ़िश की रेसिपी जो सा वो शूट की है। आई डोंट नो फिश की रेसिपी पहले जाती है या फिर ये वाइट चिकन हांडी की पहले जाती है। इंशाल्लाह हमारी कैमरा गर्ल ही बताएंगी। फिश की पहले जाएगी इंशाल्लाह। चलें ठीक है, तो फिश की रेसिपी आपको पहले मिलेगी और उसके बाद आपको ये रेसिपी फाइन मिल जाएगी। तो देख लेते हैं और हमें क्या चाहिए। यहाँ पर मैंने 3 medium size की प्याज ली थी और उसमें मैंने 4 green chilies को पीस लिया है, मतलब प्याज और ग्रीन चिलीज को मैंने पीस लिया। साथ में मेरे पास यहाँ पर 1 कटोरी दही है, 1 and 1/2 tablespoon है मेरे पास ब्लैक पेपर, क्रश्ड ब्लैक पेपर है, ठीक है। पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको मुंह में जो सा उसका दाना अच्छा नहीं लगता, तो आप जो सा वो कुटी हुई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही मेरे पास सॉल्ट है, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। गरम मसाला है मेरे पास 1 tablespoon है, इसमें ज़ीरा नहीं है, ठीक है। और ब्लैक पेपर चूँकि मैंने यहाँ पर ले लिया था इसलिए मैं अब इसमें मज़ीद ऐड नहीं किया। तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें मेरे पास मिला के 1 tablespoon है। और साथ ही मेरे पास यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट है, यानी अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मेरे पास 1 tablespoon भर के है, ठीक है। और 3 से 4 मैंने ये ग्रीन चिलीज ले लिए हैं, मैं बाद में ऐड करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहला स्टेप इस रेसिपी का क्या है। तो पहला स्टेप हमारा ये है कि हमने ऑयल को करना है गर्म। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तकरीबन 1/2 cup ऑयल डाल लिया है, ठीक है। फ्लेम मैं ऑन कर देती हूँ। ऑयल को गरम करके उसके अंदर हम लोग गरम मसाला ऐड करेंगे। पहले ऑयल को गरम करेंगे फिर गरम मसाला ऐड करेंगे। फिश का लिंक इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिश की इंशाल्लाह मैं बहुत सारी रेसिपीज और भी शेयर करूंगी, एज वेल एज मैं चिकन की भी बहुत सारी रेसिपीज शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो सी वाइट, अच्छा इसे वाइट कौरमे के साथ प्लीज मिक्स ना करिएगा, क्योंकि वाइट कौरमा जो सा वो कम्प्लीटली डिफरेंट एक रेसिपी है। ये वाइट इंस्टेंट वाइट चिकन कढ़ाई आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। चिकन हांडी ही बोलेंगे हम, कढ़ाई नहीं बोलेंगे, हांडी है ये एक्चुअली। और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बस आपने झटपट से इसे बना लेना है। और मेन बात ये है कि ये जो हम रेस्टोरेंट्स में ग्रेवी वाला चिकन खाते हैं, तो ये जो सा है ये बिल्कुल वैसा ही आपका बनेगा। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ठीक है। और चले अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैं डाल देती हूँ गर्म मसाला। क्यों ना इस रेसिपी में एक गेम खेली जाए, कैसी गेम? मैं भी इस रेसिपी के नीचे कमेंट, मतलब कुक विद अरीजी मान की आईडी से ही एक केक जोक ड्रॉप करूंगी और सबको एक जोक ड्रॉप करना होगा, फिर जिसका अच्छा होगा उसे पिन कर दिया जाएगा। वाओ, इट्स सो यूनिक, वैसे बहुत ही अमेजिंग आइडिया है। तो वो ठीक है, ईमान जो सी हैं वो एक जोक जो सा है वो नीचे करेंगी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में एक जोक कहने के ड्रॉप कर देंगी। और वहाँ पे आपने भी अपना अपना एक एक जो सा है ना वो बेस्ट अपनी तरफ से जॉक आपने करना है और लिखना है वहाँ पे और टाइप करना है, तो जिसका बेस्ट हुआ, ठीक है, और हम लोग इंशाल्लाह उसका पिन करेंगे। तो ईमान ने बहुत ही अच्छा आइडिया दे दिया, वैसे ईमान के आइडियाज नो डाउट बहुत अमेजिंग होते हैं। अच्छा, मुझे इसकी जो है ना प्रेजेंटेशन वो बहुत क्यूट लगती है, क्योंकि वो हांडी में होती है ना और मुझे हांडी मिट्टी के बर्तन बहुत पसंद है। मिट्टी के बर्तन वाकई ही बहुत ही अच्छे होते हैं और वैसे भी हेल्दी भी होते हैं। प्लास्टिक के बर्तन यूज़ करना हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है, तो इट्स बेटर कि हम मिट्टी के बर्तन ही यूज़ करें। तो चलें इस पॉइंट पर हम लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे इसमें। साथ ही अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे।
चिकन को हम जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ अच्छे तरीके से भूनेंगे। अभी मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग सी रेसिपी लेकर आने वाली हूँ, तो सारे सारी एक्साइटमेंट कमेंट सेक्शन में ज़रूर शो कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे बहुत ही अमेजिंग रेसिपी आने वाली है ईमान की तरफ से, वो वाकई ही बहुत टेस्टी रेसिपीज बनाती है मैंने पहले भी जैसे बताया था थोड़ा कम ही है, लेकिन जब भी बनाती है तो बहुत ही अच्छी और यूनिक रेसिपीज देती है, तो इंशाल्लाह ये आपके साथ ज़रूर शेयर करेगी। आई होप हम लोग कल ही वो रेसिपी शूट करें। यहाँ पे एक जो मेजर प्रॉब्लम चल रहा है ना वो नेट का है, किसी भी टाइम हमारा नेट जो है ना वो बस स्लो हो जाता है और हमें पता नहीं चलता कि अब हमने करना क्या है। हम लोग बहुत बोर हो जाते हैं, इतने यूज्ड टू हो चुके हैं ना नेट से, इतना ज़्यादा हमारा एक कनेक्शन हो गया है ना कि बस सब। और लिटरली जब फर्स्ट डे इस तरह से प्रॉब्लम आया, आई थिंक सबको पता ही होगा कि काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है, धरने की वजह से आ रहा है शायद, वो जो धरना हो रहा है। हाँ जी, लाहौर में, शेखपुरा में और गुजरांवाला में और फैसलाबाद में, मतलब इस तरह इस्लामाबाद में आ रहा है, इस्लामाबाद में भी है, तो वो धरने हो रहे हैं उसकी वजह से। तो और जिस दिन फर्स्ट डे नेट गया था उस दिन सबसे फनी सीन ये हुआ था कि मैंने 1 ईयरबड टीवी ऑन किया था वो मतलब ऐसा आदत हो गई है ना मोबाइल यूज़ करने की, एडिक्शन हो गई है, तो टीवी पे देखना बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहा था। नेट पे इतनी थोड़ी बहुत एड्स आते हैं 30 सेकंड की, लेकिन जब मैंने वहाँ पे देखा कि 2-3 मिनट्स की ब्रेक है तो मैं बहुत एग्जशन हो रही थी, ये क्या है। बट इट्स ओके, आई लव पंजाबी मूवीज़ और उस पर एक चैनल आई थिंक आपको भी पता होगा, पिटारा मूवीज़ बेस्ट है फॉर पंजाबी मूवीज़। इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से हम लोग फ्राई करेंगे, ठीक है। अरे ये आपके माइंड में कैसे आया कि मतलब ये रेसिपी भी हो सकती है, मतलब आपने कहाँ से सीखी, मतलब आपको कहाँ से इसका एक्सपीरियंस हुआ? तो चलिए इसके अंदर हम लोग यहाँ पर प्याज भी ऐड कर देते हैं। इस तरह से एक्सपीरियंस हुआ? नहीं नहीं, मैं आपको बताती हूँ, डेफिनेटली बातों में मैं रेसिपी ख़राब नहीं करूँगी। तो एक मेरे अंदर मैं अगर बैटर कुक करती हूँ, वैसे तो बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा कुक करते हैं, कुकिंग बहुत अच्छी है लोगों की, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरी थोड़ी सी बैटर है तो उसकी मेन वजह ये है कि मैं जो स्पाइसेस हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से असेस करती हूँ, ठीक है। अगर मुझे एक डिश दी जाएगी और मुझे कहा जाएगा कि आप इसमें बताओ कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, तो मैं डेफिनेटली 100% एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन मैं काफ़ी नियर पहुंच जाती, लाइक 90-95% मैं उसको जज कर लेती हूँ कि किस तरह से है। तो ये वाली जो रेसिपी है ये हमने यहाँ पे, अभी मैं उस रेस्टोरेंट का नाम तो नहीं लूँगी, तो मैंने तकरीबन ये रेसिपी 2 से 2.5 साल पहले खाई थी, शायद इससे ज़्यादा 3 साल पहले मैंने ये रेसिपी खाई थी, ठीक है। और मतलब ये डिश जो उनसे मैंने वहाँ पे टेस्ट की थी एक रेस्टोरेंट में, तो वहाँ से मुझे आइडिया हो गया था कि इन्होंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो उनसे वो यूज़ किए हैं, और वो बहुत टेस्टी थी, और मैंने जब उसे घर में ट्राई किया और 99.9% सेम रिज़ल्ट था, और घर वाले भी सारे लाइक शॉक्ड दे आर के मतलब इस तरह से इतना नियर आप पहुँच गए हो। तो अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, बहुत सारे लोगों में बहुत सारी एबिलिटीज़ होती हैं, तो हर इंसान में कोई ना कोई एबिलिटी होती है, इसी तरह मेरे में ये छोटी सी एबिलिटी जो मुझे लगता है, ठीक है। तो ये थी इस रेसिपी की छोटी सी स्टोरी। तो आप सब भी अपने अंदर जो एबिलिटी है उसे सर्च करें और उसे कभी भी हाइड मत कीजिएगा, क्योंकि वही एबिलिटी आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दे कोई आइडिया नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है, अपने शौक़ को अपने अंदर ही रखें, उसे बाहर निकालें, उसको यूटिलाइज़ करें और उस पर वर्क करें, अपनी पर्सनैलिटी को जम सा वो ग्रूम करें। और वैसे ये सब कुछ करने में मेरे भाई का बहुत ज़्यादा बड़ा वाला हाथ है, वो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, मम्मा पापा भी सपोर्ट करते हैं नो डाउट, लेकिन जो एक भाई की सपोर्ट है ना वो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो जब भाई साथ हो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा काम है जो इंसान नहीं कर सकता, तो मेरे भाई जो से वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, एक्चुअली हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो उनके सपोर्ट से जो है वो ये चैनल क्रिएट किया और सारा कुछ, क्योंकि डेफिनेटली हमारा पहले कोई यूट्यूब से बैकग्राउंड भी नहीं है, कोई हमारी फैमिली मेम्बर्स में कोई भी यूट्यूब नहीं कर रहा है, आई एम द फर्स्ट फ्रॉम माई फैमिली, फ्रॉम माई एंटायर फैमिली एंड ऑल्सो फ्रॉम माई होल फैमिली, तो ये एक न्यू चीज़ थी, और फ्रेंड्स फैमिली में से कोई भी यूट्यूब नहीं कर रहा है। और आपको एक बहुत ही अमेजिंग सी बात बताती हूँ, ये नेट से रिलेट करती है कि जिस दिन इंटरनेट गया
और सिंक का जार है, तो बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी वह रात में, और मैंने क्या किया, कुछ डायरीज पढ़ी हुई थी तो वो मैं डायरीज खोल कर पढ़ना स्टार्ट कर दी। और उसके बाद सबसे अमेजिंग बात पता क्या थी, जब अरीज ने टेंथ को पास किया और फिर उसके बाद वो होती है ना फेयरवेल टाइम, उस पर यू नो ऑटोग्राफ किया था मैंने जब तब की डायरी, और ऑटोग्राफ टाइम में ऑलमोस्ट सब क्लास फेलोज फ्रेंड्स ने क्या लिखा था। अच्छा, मैं आपके साथ अपनी डायरी शेयर करूँगी। सब ने मुझे लिखा था स्वीट शेफ और गोलू मोलू समटाइम्स, मतलब कुछ ऐसे आए थे मुझे कमेंट्स, और कमेंट्स नहीं सॉरी लाइक कमेंट्स नहीं आप उसे कह सकते हैं, डायरी के आए थे। तो मैं इंशाल्लाह अपनी जो मैट्रिक का हमारा फेयरवेल का था वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो जल्द शेयर करूँगी डायरी, और इंशाल्लाह हम लोग फिर सर सबके ही फ्रॉम ए टू जी हम लोग जितने भी मेरी क्लास फेलोज थे सबके मैं आपको पढ़वाऊँगी, तो आप इंजॉय कीजिएगा उसको। तो चलिए आप थोड़ा सा रेसिपी की तरफ से आ जाते हैं, रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर जिन सा चिकन, प्याज और अदरक लहसुन और गर्म मसाला, ये तीनों चीज़ें मैं अच्छे तरीके से भून रही हूँ, ठीक है। और खुशबू ईमान बताएं कैसी आ रही है, ऑनेस्ट रिव्यू या ऑनेस्ट ओबियसली। अभी फ़िलहाल ना ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, लिटरली मैं ना बहुत ज़्यादा किचन में नहीं जाती, जब भी मैं बनाती है तो ठीक है बना रही, अभी तो शूट करना होता है ना तो मैं इसलिए यहाँ पर अवेलेबल हूँ, अदरवाइज़ मैं अंदर सुकून से बैठी रहती हूँ। तो मुझे ये रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट लगी, और अभी जो उसकी स्मेल है ना वो खुशबू वो बिल्कुल ही डिफरेंट है बाकी सालन से। लेकिन मैंने लास्ट वन मंथ बिफोर मैंने ये ट्राई की थी ना, खाई थी दोपहर में, तो मुझे बहुत टेस्टी लगी थी। अभी इंशाल्लाह इंशाल्लाह बनती है, अभी स्मेल तो मतलब बिल्कुल डिफरेंट और अच्छी स्मेल आ रही है, अभी देखें क्या होता है। हाँ जी बिल्कुल डेफिनेटली, अभी थोड़ा सा कच्चापन है मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो अभी थोड़ी कच्चीपन वाली स्मेल है, और इंशाल्लाह जब ये तैयार हो जाएगी तो बहुत ही अच्छी और यूनिक रेसिपी हमारी बन जाएगी। तो बस इसको मैंने भूनना है भूनना है भूनना है, इसका यही सारा प्रोसेस चलता रहेगा, और अच्छे तरीके से जितना अच्छे तरीके से आप ग्रेवी को भूनेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा आपका, चाहे आप ये वाली रेसिपी बना रहे हैं या फिर कोई भी ग्रेवी आप बना रहे हैं, तो जो उसकी भुनाई है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और अगर अभी अभी यहाँ पे कोई मतलब ऐसा यू नो बॉयज़ हैं या मतलब गर्ल्स हैं जो टीन एजर्स हैं जिनको इतनी कुकिंग का शौक़ नहीं है, तो उनके लिए मैं एक बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी लेकर आई थी ओरियो मिल्क शेक, अगर आपको वो रेसिपी चाहिए तो डेफ़िनेटली वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी, आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बहुत ही अच्छी रेसिपी है फायदा भी होगी, तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसा सीन नहीं है ना कि मतलब वो मैसी फ्लेम का मैसी भी नहीं है, फ्लेम का भी कोई सीन नहीं है, तो जिससे आप इजीली उसे बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर देती हूँ, नमक, अच्छा अगर आपको किसी रेसिपी का मतलब होता है ना जैसे माइंड में कि ये रेसिपी होनी चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो ज़रूर आपको सिखाएंगे, ट्राई करेंगे खुद भी और आपके साथ भी शेयर करेंगे। आपने ज़रूर बताना है, मेरी जो एक सब्सक्राइबर थी और मेरी डियर सिस्टर, उन्होंने मुझे जो है वो एक रेसिपी के लिए कहा था, तो कौन सी रेसिपी थी, जलफ्रेजी, तो चिकन जलफ्रेजी का उन्होंने मुझे डिमांड की थी, तो मैंने उसकी रेसिपी अपलोड की और मुझे ये पी के इतना अच्छा लगा ना कि उन्होंने मुझसे डिमांड की। तो डेफिनेटली मैं अभी यूट्यूब पर नहीं हूँ, तो जब कोई मेरे से फरमाइश करता है तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी हाइड नहीं कर रही हूँ, हर चीज़ आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा लगता होगा जब इंसान थोड़ा सा ग्रो करता है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो चलिए इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पर काली मिर्च भी डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं अभी डालेंगे, फिर बस हाफ ही मैं ऐड करूँगी, मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है मेरी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई किया करिए, और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, और बस एक चांस दें कि यू नो टू प्रूव माय सेल्फ, तो जब आप ट्राई करेंगे आप अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तो डेफिनेटली मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊँगी। और
इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज़रूर ज़रूर फॉलो किया करें, बहुत अच्छा लगता है। और आपको कभी भी कोई भी इशू हो, मतलब ऐसा है ना कि ड्यूरिंग रेसिपी ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जो हमने रेसिपीज बनाई हुई हैं उसी के साथ ही आपको थोड़ा बहुत गाइड करेंगे, बल्कि जो आप बना रहे हैं अगर आपको उसमें थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आ रही है तो इंशाल्लाह अपनी पूरी ट्राई करेंगे कि आपको उसके बारे में गाइड कर दिया जाए। तो इसलिए अगर आपकी कोई रेसिपी आपको लग रहा है यार ये तो मतलब 80% तो ये ख़राब हो चुकी है, तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें, मैं इंशाल्लाह उसके लिए आपको ज़रूर कोई ना कोई सोल्यूशन दे दूँगी, ठीक है ना। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा वो मेरा सोल्यूशन, क्योंकि मैं यूजली जो है वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेती हूँ जो भी मेरी रेसिपी कोई, वैसे तो अब अल्लाह का शुक्र है अब नहीं होता, पहले होता था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं मैं कहूँगी मैं हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ गई है। तो चलिए इसमें हम लोग अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्याज है और अदरक लहसुन है ये सारा अच्छे तरीके से भून चुका है, ठीक है। और चिकन भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से भून गया है, और यहाँ पे पानी तो आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो सारा का सारा मॉइस्चर जो था वो इसका ड्राई हो गया है और मसाला रह गया। अब इस पॉइंट पे मैं यहाँ पर दही ऐड करूँगी, अच्छा मैं आपको यहाँ पर एक और मज़े की बात बताऊँ, मतलब जिसे कहते हैं ना रिवील, यहाँ पे मैं एक चीज़ रिवील करती हूँ कि अभी रिवील करना चाहती था। जी जी बिल्कुल, तो अभी बहुत फनी सा सीक्रेट है, आई थिंक लेट मी शो देम। ये हमारी चीज़ें वैसे की वैसे पड़ी हुई हैं, ये ना फिश का है मिक्सर जो मैंने बेसन बनाया है, मतलब बेसन का मिक्सर बनाया है जिसमें मैं डिप करके उसको फ्राई करूँगी, तो वो अभी पड़ा होगा, वो ईमान ने आपको दिखा दिया है, ठीक है। वो और इसे वन आर की रेस्ट चाहिए थी ये मैरिनेशन के लिए, तो हमने सोचा कि वन आर में ये वाली जो रेसिपी है वो शूट कर लें ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए, तो ये होते हैं BTS। सही बात है। तो चलिए हमारा जो चिकन था वो मिक्स चिकन था, लाइक बोनलेस नहीं था, ठीक है, थोड़ा हड्डी वाला गोश्त था। अब मुझे इसको पकाना है, अच्छे तरीके से टेंडर करना है, उसके लिए मैं इसके ऊपर लिड दूंगी, ठीक है, और लिड दे के मैं तकरीबन इसे जो सा 8 मिनट छोड़ दूंगी। दही का पानी जो सा है वो इनफ है इसको टेंडर करने के लिए, ठीक है, आपको अलहदा से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इस पर चले लिड दे के हम लोग इसे 8 मिनट्स के लिए कुक करते हैं, ठीक है, और मिलते हैं आपसे 8 मिनट्स के बाद। चिकन को कुक होते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे खोल के देखते हैं कि कैसा है ये अंदर से और गल गया या नहीं। तो ये देखें ऑयल चिकन ने छोड़ दिया, ठीक है, और ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे टेंडर भी हो चुका है। 1 मिनट के लिए मैं इसे फुल फ्लेम पे भूनूंगी। अब इसकी स्मेल बिल्कुल परफेक्ट सालन की तरह से आ रही है, आई थिंक इसमें सारा जो भी कच्चा पान था वो खत्म हो चुका है। जी बिल्कुल, इसके ऊपर जो ये येलो येलो इसका ऑयल आता है ना मेरा फेवरेट है। आप इसमें ऑयल जो सा है वो कंजूसी ना करिएगा, ऑयल जो सा है वो इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है, ठीक है, और अच्छे तरीके से आपने इसमें ऑयल डालना है। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1/2 कप लिया था, आप भी 1/2 कप यूज़ कीजिएगा 1/2 kg चिकन के लिए। तो चलिए ऑयल आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से सेपरेट आउट हो गया है, चिकन बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो गया है, ग्रेवी हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है, ठीक है, इसका कच्चापन दूर हो गया है, भून भी गई है, हर चीज़ उनसे वो कहने का मतलब ये है कि परफेक्ट है। तो इस पॉइंट पर हम लोग उनसे फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको मैं निकालूंगी। आप चाहें तो इसे वैसे बाउल में भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये मिट्टी का जो सा कुजा है इसके अंदर, या फिर इसको क्या कहेंगे मिट्टी हांडी जो सी है उसके अंदर सर्व करूँगी। तो अगर आप चाहें तो बाउल में भी सर्व कर सकते हैं, और ये आप 4 लोगों को आराम से, 3 से 4 लोग आराम से इसे खा सकते हैं, ठीक है, तो ये 3 से 4 लोगों की सर्विंग है। तो चलें जी अब हम लोग इसे अपनी प्यारी सी हांडी में निकाल लेते हैं। इसके ऊपर मैं 1 चुटकी ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंकल करूंगी,
साथ ही मैं इस पे लेमन रख रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो मर्जी ऊपर गार्निश कर सकते हैं। थोड़ी सी ग्रीन चिलीज, मजेदार चिकन हांडी हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही इजी है और बहुत ही ज्यादा यूनिक भी। आप इस रेसिपी को चाहें तो नान के साथ सर्व करें या फिर आप इसको गरम गरम तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें, बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करें तो इसका टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी सजेशन दूंगी कि आप इसे तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें, और अगर आपको तंदूरी रोटी अवेलेबल नहीं है तो आप घर में इजीली बना सकते हैं टू स्टेप्स में। बहुत ही इजी रेसिपी है, ठीक है। तंदूरी रोटी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। मैं नहीं दूंगी, ईमान देंगी तो खैर वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। इस हांडी को भी ट्राई कीजिएगा और तंदूरी रोटी को भी ट्राई कीजिएगा, और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि आपने अगर अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो काइंडली इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, और साथ ही साथ हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। हमारा पेज का नाम कुक विद अरिजीमान ही है, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी में एक बहुत ही अमेजिंग और डिलीशियस डिश के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Gotta keep this feeling, keep on.